इंदौर की मेघदूत चौपाटी पर अतिक्रमण हटाने गए अमले पर एक युवती ने थप्पड़ जड़ दिया। युवती ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान लगा रखी थी। जब अतिक्रमण अमला उसे हटाने लगा तो वह युवती भड़क गई और कर्मचारी को चांटा मार दिया। देर रात तक हंगामा होता रहा। जब तमाम समझाइशों के बावजूद भी युवती नहीं मानी तो पुलिस ने युवती के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया और FIR दर्ज कर दी। भोपाल में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का पर्व जन्माष्टमी 26 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए कृष्ण मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही है। इसी के तहत शहर में कई स्थानों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फिल्म व टीवी कलाकार भजन गायक भी शामिल होंगे। वहीं इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सीहोर, मंदिरी, बैरसिया, विदिशा, आष्टा सहित कई क्षेत्रों के प्रतिभागी भी यहाँ पर शामिल होने आएंगे। आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी मेडिकल डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की घटना के बाद मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकारी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों की कुंडली अब खंगाली जाएगी। स्वास्थ्य आयुक्त ने सरकारी अस्पताल के सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी सहित अन्य कर्मचारियों के बैकग्राउंड की जांच के आदेश दिए हैं। इससे यह पता चल जाएगा कि अस्पतालों में काम करने वाले में से कोई व्यक्ति किसी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है। सावन मास में भक्तों की भेंट से भगवान महाकाल का खजाना भर गया है। एक माह में मंदिर समिति को 15,64,53,137 रुपए की आय हुई है। देश विदेश से भगवान महाकाल के दर्शन करने आने वाले भक्त अपने साथ 7,08,82,200 रुपए के लड्डू प्रसादी भी खरीद कर ले गए। मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकर ने बताया कि श्रावण मास में देश भर से हजारों भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने आए थे। भक्तों की संख्या तो बढ़ी ही, इसके साथ साथ आय के स्रोत भी बढ़ गए। खंडवा के मोगढ़ थाने में 5 संदिग्ध बदमाश गुरुवार रात करीब 3 बजे मौका पाकर गलियारे की जाली तोड़ फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। रात में ही पुलिस ने खंडवा रेलवे स्टेशन सहित मथेला और सिहाड़ा तक बदमाशों की तलाश की, लेकिन बदमाशों का दोपहर तक कोई पता नहीं चल पाया। इस मामले में प्रभारी पुलिस अधीक्षक SK तारनेकर ने थाना प्रभारी संजय पाठक को लाइन अटैच कर दिया है और हेड कांस्टेबल शिवेंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। फरार बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। जबलपुर की आधारतार पुलिस ने सातिर बदमाश विवेक और चूहा पांडे को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के अंतर्गत गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के प्रतिवेदन पर जिला दंड अधिकारी ने चूहा के विरुद्ध NSA एक्ट का वारंट जारी किया था। आरोपित पर हत्या, अवैध वसूली सहित 18 आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं। आपको बता दें कि चूहा लगातार अपराध किए जा रहा था और सुहागी क्षेत्र में उसका अच्छा खासा खौफ था। लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक बाबू को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। आरोपी सहायक ग्रेड 1 तारक चंद दास ने यह रकम रत्नागिरी प्रोजेक्ट में रहने वाले एक व्यक्ति से लीज रिन्यू कराने के नाम पर मांगी थी। वह 3,35,000 रुपए की मांग कर रहा था और अंत में यह डील 40,000 रुपए पे तय हुई थी, जिसको लेते हुए वह रंगे हाथों पकड़ा गया। BDA की राजस्व शाखा में खास तौर से लीज नवीनीकरण नामांतरण NOC के 300 से ज्यादा पिछले 6 महीने से प्रकरण दर्ज हैं, जिनको लेकर यहां लोग चक्कर काटते रहते हैं। बैतूल में मनरेगा योजना भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण योजना मनरेगा में कामों की स्वीकृति के लगातार घटने से जिले में पलायन के हालात बन गए हैं। 3 साल पहले यहां करीब 2.25 लाख कार्य स्वीकृत किए गए थे, लेकिन बीते 3 सालों में यह आंकड़ा घटते घटते महज 400 पर पहुंच गया है। पंचायत में काम न होने से लोग दूसरे प्रदेशों और जिलों का रुख कर रहे हैं, जबकि कोरोना के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह आश्वासन दिया था कि अब लोगों को रोजगार के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।
मार्च में उज्जैन, जुलाई में जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ मुंबई, कोयम्बटूर और बेंगलोर में हुई कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच बन चुकी है। अब ग्वालियर में भी 28 अगस्त को हो रही रीजनल कॉन्क्लेव लघु उद्योगों के विकास के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही कह चुके हैं कि ग्वालियर अंचल में उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएं हैं और यही देखते हुए ग्वालियर में आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री हर संभव प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के निर्देशन में ही जिला प्रशासन भी लगातार इस कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। यदि आप सितंबर महीने में वंदे भारत और भोपाल एक्सप्रेस से दिल्ली, ग्वालियर, झांसी, आगरा के लिए सफर करने जा रहे हैं तो यह खबर जरूर देख लें, क्योंकि पलवल रेलवे स्टेशन पर जो मेंटेनेंस कार्य चल रहा है इसके चलते भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली वंदे भारत के अलावा भोपाल एक्सप्रेस 6 सितंबर से 15 सितंबर तक 10 दिन के लिए रद्द की गई है। इसके अलावा कुछ और ट्रेनों के भी मार्ग में परिवर्तन किया गया है, इसलिए यात्रा से पहले भोपाल से गुजरने वाले सभी ट्रेनों की ठीक ठीक जानकारी जरूर ले लें।